कराची के सरकारी अस्पतालों में एनेस्थेटिक डॉक्टर्स की किल्लत, मुआलिजीन की किल्लत से अहम ऑपरेशंस में तातुल मामूल बनने लगा। मामूली सर्जरी करवाना मरीजों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। मामूली ऑपरेशन के लिए मरीजों को एक साल का वक्त दिया जाने लगा। एनेस्थेटिक डॉक्टर सर्जरी के दौरान मरीजों की सांस और दिल की धड़कन की निगरानी करते हैं। आपको बताया जा रहा है, कराची के सरकारी अस्पतालों में एनेस्थेटिक डॉक्टर्स की किल्लत, मुआलिजीन की किल्लत से अहम ऑपरेशंस में तातुल मामूल बनने लगा है। 2012 से जिन्ना अस्पताल में एनेस्थेटिक डॉक्टर्स की नई भर्ती नहीं की गई है। मामूली सर्जरी करवाना मरीजों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। मामूली ऑपरेशन के लिए मरीजों को एक साल का वक्त दिया जाने लगा। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं दुआ अब्बास से। दुआ बताइएगा। जी देखिए, कराची के जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर है उनकी शरीर की लत लगा है, जिसने मरीजों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अगर बात करें जिला अस्पताल में, तो जिला अस्पताल में भी इन एनेस्थीसिया के डॉक्टरों की कमी है, जिसकी वजह से ऑपरेशन जो है वो मौत से लेकर शिकार हो रहे हैं और ऑपरेशन जो है वो मुलतवी हो रहे हैं। आपको बताया जा रहा है, कराची के सरकारी अस्पतालों में एनेस्थेटिक डॉक्टर्स की किल्लत, मुआलिजीन की किल्लत से अहम ऑपरेशंस में तातुल मामूल बनने लगा। मामूली सर्जरी करवाना मरीजों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया है। मामूली ऑपरेशन के लिए मरीजों को एक साल का वक्त दिया जाने लगा है। एनेस्थेटिक डॉक्टर सर्जरी के दौरान मरीजों की सांस और दिल की धड़कन की निगरानी करते हैं। 2012 से जिन्ना अस्पताल में एनेस्थेटिक डॉक्टर्स की नई भर्ती नहीं की गई है। कराची के सरकारी अस्पतालों में एनेस्थेटिक डॉक्टर्स की किल्लत है, मुआलिजीन की किल्लत से अहम ऑपरेशंस में तातुल मामूल बनने लगा है। मामूली सर्जरी करवाना मरीजों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया है। एक बार फिर बात करते हैं दुआ अब्बास से। दुआ बताइएगा। जी मैंने कराची के सरकारी अस्पतालों एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर्स हैं उनकी शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से जो है ये मरीजों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अगर बात की जाए तो जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल में एनेस्थीसिया के डॉक्टर की कमी है और 2012 से जिला अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल में भर्तियां नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है हम देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन है वो काफी मुलतवी हो रहे हैं। मरीजों को मामूली ऑपरेशन, जैसे पिट्टे का ऑपरेशन काफी मामूली होता है, उसके लिए भी एक साल का जो है इंतजार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मजीद जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की जिला अस्पताल में, तो जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया के 3 आरएमओस, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर और 30 से 40 जो है वो पीजीज हैं, जबकि जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में कोई प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। और अस्पताल में जो है जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया का 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर, जबकि 4 से 6 जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है। और एनेस्थीसिया के किल्लत के बाइस जो है मरीजों को काफी जो है इंतजार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अगर अल्लाह ना करे कोई पेचीदा ऑपरेशन पर जो मरीज है उनको भी इंतजार जो है वो खतरे का सबब भी बन सकता है। और अब्बासी शहीद अस्पताल में भी सूरत हाल को तो मुनफरिद नहीं है। अगर बात की जाए तो अब्बासी शहीद अस्पताल में जो है 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर और 14 से 16 जो आर एम ओ उनकी जो है जरूरत है। और इसकी कमी की वजह से जो है वो काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है अस्पताल में काम पे जाने के कारण। जी दुआ अब्बास, आपका शुक्रिया।